हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आ गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट थ्री में और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट वन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट टू दोनों को ही अच्छे से सॉल्व किया होगा और आपने उसके कंसेप्ट ध्यान में रखे होंगे, क्योंकि वो कंसेप्ट आपको इसमें बहुत हेल्प देने वाला है। एक और आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने क्या किया है, आपका जो सिलेबस है वो 25% से रिड्यूस कर दिया है, क्योंकि कोरोना का देखते हुए जो समय जो है वो समय आपको बहुत कम मिलने वाला है, इसलिए गवर्नमेंट ने थोड़ा सा सिलेबस भी कम कर दिया है। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से सिलेबस से कौन कौन सा टॉपिक कटा हुआ है। ओके, तो सारे सब्जेक्ट का ही मैं बताने वाला हूं, यानी इंग्लिश का भी, मराठी का भी, हिंदी का भी, संस्कृत का भी, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट का मैं बताने वाला हूं नेक्स्ट लेक्चर में। सो प्लीज नेक्स्ट लेक्चर मिस ना करें। वैसे तो मिस नहीं करोगे आप लोग, मैं जानता हूं। तो चलो बात आगे ना बढ़ाते हुए हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, और मेन टॉपिक में एक्सरसाइज 2.1 में जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, वो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें अपने मन से कोई भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है, कोई भी आपके पसंद का। ओके, कोई भी आप अपने मन से कोई भी लिख लेना। एक पहले ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, दूसरा ले लिया एम स्क्वायर प्लस 7m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अरे कोई भी अपने मन से ले सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंने यही क्यों लिया। आपके मन में जो भी आ रहा होगा आप अपने मन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ले लोगे। ठीक है, तो चलो आप पहला वाला क्वेश्चन नोट कर लो। तो चलो अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अगर आप सेकंड क्वेश्चन देखोगे, अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में, तो आप देखोगे क्या दिया हुआ है। हमें बोला है डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि कौन से इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझे मेरी बात? तो आपको याद होगा मैंने फर्स्ट पार्ट में ये बताया था, पार्ट वन में, पार्ट में मैंने ये मेंशन किया था कि अगर किसी को भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बनना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर किसी को बनना है तो उसको कौन कौन सी कंडीशन फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला कंडीशन है कि मैक्सिमम जो पावर है, मैक्सिमम पावर, वो मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, यही बताया था मैंने। सेकंड पॉइंट मैंने क्या बताया था कि पावर जो है वो पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मैंने तीसरी बात यह बताई थी कि कोई भी वेरिएबल जो है, वेरिएबल वो डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए। समझे? हिंदी वाले अगर कोई देख रहे होंगे तो हर में नहीं होना चाहिए। चौथी बात मैंने बताया था कि वेरिएबल जो है, वेरिएबल आपका स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए। यही चीज मैंने आपको बताया, समझे, कि पहला तो मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, दूसरा पावर हमेशा नेगेटिव रहना चाहिए, तीसरी बात वेरिएबल हमेशा डिनोमिनेटर होना चाहिए, और चौथी बात वेरिएबल क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट में होनी चाहिए। समझे मेरी बात? तो ये चारों कंडीशन अगर कोई फॉलो करेगा तो ही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा। समझे मेरी बात? तो कभी भी आपको बोला जाता है कि आप ये चेक करो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो पहले आप इन चारों कंडीशन को चेक करोगे। अगर ये चारों कंडीशन का सेटिस्फाइड हुआ तो समझ लेना कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। समझे मेरी बात? तो मैं इसी चीज को कहीं तो भी शॉर्ट में लिख देता हूं लगे तो, क्योंकि मैं अभी इरेज करने वाला हूं। देखो पहला मेरे पास एग्जाम्पल जो है, वो एग्जाम्पल मुझे फर्स्ट वाला देखो क्या दिया है। मुझे फर्स्ट एग्जाम्पल में बोला गया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, यानी हमें बोला है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल्स टू में 0। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल्स टू का 0 की अगर हम बात करेंगे, समझे मेरी बात, तो इसमें क्या होता है बेसिकली। देखो हमारा मैक्सिमम पावर 2 है, चेक करो यहां पे मैक्सिमम पावर 2 दिया हुआ है, यानी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसमें से कोई भी पावर नेगेटिव नहीं है, वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं है और वेरिएबल स्क्वायर रूट में भी नहीं है। समझे? इसका मतलब क्या हो गया?
हम लिख सकते हैं पहले गिवन इक्वेशन, ऐसा लिखने का गिवन इक्वेशन क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, समझे? तो क्या लिखेंगे, अबोव इक्वेशन, अबोव इक्वेशन सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड ऑल द कंडीशन ऑफ, ऑल द कंडीशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये क्या कर रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे कंडीशन ये फॉलो करके दे रहा है, देयरफॉर देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस टू सॉरी प्लस वन इक्वल्स टू जीरो इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस हो गया, इतना ही तो लिखना था आपको। तो पहले आपको सारे कंडीशन चेक करना था और आपने एक बार सारी कंडीशन चेक कर लिया तो आप आराम से बता सकते हो कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, समझे मेरी बात? तो चलो आप इसे जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट निकाल लो, ओके 1 2 3। अब देखो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगर आप सेकंड क्वेश्चन अच्छे से देखोगे तो सेकंड क्वेश्चन में क्या मेंशन है, अगर आप सेकंड क्वेश्चन देखेंगे तो दिया है y square equals to 5y minus 10। तो पहले मैं क्वेश्चन को अच्छे से लिखता हूं, सेकंड क्वेश्चन लिख दिया मैंने y square equals to 5y minus 10, यही आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं इक्वल टू के इस साइड में जीरो बनाऊंगा पहले, तो समझे क्या, क्योंकि मैंने सेकंड लेक्चर में यह भी पढ़ाया था कि ax square प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, यानी ऐसे लाने की कोशिश करते रहना चाहिए। तो इसके इक्वल टू में जीरो है तो मैं भी इसको इक्वल टू में जीरो बनाऊंगा। तो पहले क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा पहले गिवन इक्वेशन, पहले क्वेश्चन लिख देंगे गिवन इक्वेशन क्या दिया है, वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू फाइव वाई माइनस टेन। अब उसको अगर इस साइड शिफ्ट करेंगे तो वाई स्क्वेयर इसको इधर लाए तो माइनस फाइव वाई, और इसको इधर लाया तो प्लस टेन इक्वल्स टू में जीरो ले लिया। अब क्या होगा आगे सोचो, अब क्या करेंगे, अब मुझे एक चीज बताओ, चारों कंडीशन अब याद करो एक बार। पहला बोला था कि मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम पावर टू, देखो मैक्सिमम पावर टू है। मैंने बोला था पावर नेगेटिव नहीं चाहिए, नहीं है कोई पावर नेगेटिव। तीसरी कंडीशन कि वेरिएबल जो है वो वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, नहीं है कोई वेरिएबल डिनोमिनेटर में। तीसरा सॉरी चौथा कंडीशन क्या बोला था मैंने कि वेरिएबल जो है वो स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए, यही चार कंडीशन थी, हाँ या ना? तो देखो एक बार इन चारों कंडीशन में, पहला कंडीशन दूसरा कंडीशन तीसरा चौथा, चारों के चारों सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, अबोव इक्वेशन सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड ऑल द कंडीशन ऑफ, वही सेम हमेशा, देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपके मन में आएगा कि सर क्या हमें ये पेपर में लिखना पड़ेगा, नहीं भाई नहीं लिखना है, ये आपको अपने दिमाग में रखना है, समझे? यानी किसी को भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बनाना है तो हमें पहले इसको चेक करते रहना चाहिए, समझ गए मेरी बात? आपको ये पेपर में नहीं लिखना है, ये मैंने आपके समझने के लिए दिया है, ये मैंने आपके समझने के लिए लिख के रखा है ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, समझ रहे मेरी बात? तो चलो सेकंड वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, इसको स्क्रीनशॉट निकाल लो, मुझे लगता है अभी तक निकाल लिया होगा आप लोगों ने। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास तीसरा, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि y स्क्वायर प्लस वन अपॉन y इक्वल्स टू में टू। अब देखो मैक्सिमम पावर टू चाहिए, है मैक्सिमम पावर टू, पावर नेगेटिव नहीं रहना चाहिए, नहीं है नेगेटिव, यानी पहले दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, वेरिएबल डिनोमिनेटर में, लो तो वेरिएबल डिनोमिनेटर में, इसका मतलब ये नहीं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, आपको वहां से डिनोमिनेटर से वेरिएबल को गायब करना पड़ेगा, समझिएगा?
क्या बोला मैंने कि वेरिएबल को डिनोमिनेटर से गायब करना पड़ेगा, यानी जो y जो नीचे में दिख रहा है ना उसको ऊपर में लाना पड़ेगा। अब ये ऊपर में कब आएगा? ऊपर में तभी आएगा जब इसके सारे टर्म को, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, सारे टर्म को हम क्या करेंगे, y से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझे मेरी बात? तो देखो मैं कैसे कर रहा हूं। मैंने क्या किया, पहले लिखा मैंने इसको सभी को y से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे गिवन गिवन इक्वेशन, क्या दिया है, वाई स्क्वेयर प्लस वन अपॉन वाई इक्वल्स टू में टू। समझे? अब लिखेंगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय वाई। हिंदी वाले अगर कोई होंगे तो लिखेंगे दोनों पक्षों को y से गुना करने पर। तो क्या होगा अगर मैं इसको y से इंटू करूंगा, तो y से इसको भी इंटू करना है, इसको भी इंटू करना है और इसको भी करना है, तो क्या हो जाएगा, y इंटू y स्क्वायर प्लस y इंटू वन बाय y इक्वल्स टू टू इंटू y। कर लिया। अब ये y से ये वाला y कट गया तो क्या बचा, ये y इंटू y स्क्वायर क्या हो गया, y क्यूब हो गया प्लस वन, क्योंकि ये और ये कट गया तो वन बचा इक्वल्स टू में टू वाई। अब क्या करोगे, यहां पे क्या किया है, इसको इधर ला दो तो क्या हो जाएगा, y क्यूब माइनस टू वाई प्लस वन इक्वल्स टू जीरो आ गया। अब बताओ मैक्सिमम पावर क्या है, थ्री है, तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। समझे मेरी बात? तो कोई भी क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना तो आप ये ट्राई करेंगे कि डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, है नहीं बताने का, पहले उसको सॉल्व करके चेक करने का, सॉल्व करने के बाद ट्राई करना कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आ रहा है। तो यहां पे जब हमने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद हमें ये पता चला कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आ रहा है। समझे मेरी बात? हाँ है ना? तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन भी नोट कर लो आप लोग। अब देखो इसके बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन, देखो एक बार देखो आप लोग, साइड में लिख के रखा है मैंने फोर्थ क्वेश्चन। क्या हमारा फोर्थ क्वेश्चन, x प्लस वन अपॉन x इक्वल्स टू माइनस टू, यही बोला है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा पहले क्वेश्चन फोर्थ नंबर का, x प्लस वन अपॉन x इक्वल्स टू माइनस टू आ गया। तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग, गिवन इक्वेशन। अब गिवन इक्वेशन क्या दिया है, x प्लस वन अपॉन x इक्वल्स टू माइनस टू। अब देखो हमें चाहिए मैक्सिमम पावर टू, यहां पे तो मैक्सिमम पावर टू है नहीं, तो हम पहले ही बोल देंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो ऐसे करने से हमारा गलत हो सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए, पहले आपको सॉल्व करके देखना चाहिए। समझे? तो देखो इसके डिनोमिनेटर में x है कि नहीं, तो सभी को पहले x से इंटू करो और डिनोमिनेटर को भगाने की कोशिश करो। समझे? तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x, जो भी टर्म नीचे में रहेगा उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी टर्म नीचे में रहेगा। ओके, सो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू माइनस टू इंटू एक्स। समझे? अब ये और ये कैंसल आउट हुआ। समझे? तो x इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। समझे कि नहीं? ये और ये कैंसिल होकर क्या बचा, प्लस वन बचा, और वो माइनस टू को इधर ला लिया तो क्या हो जाएगा, माइनस टू का हो जाएगा प्लस टू एक्स इक्वल्स टू में जीरो। अब अच्छे से अरेंज करो तो पहले एक्स स्क्वायर करो, फिर एक्स वाला करो, फिर प्लस वन इक्वल्स टू में जीरो आ गया। अब देखो कि जिस क्वेश्चन को हम ये मान के चल रहे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, देखो ना इसको देखने के बाद हमने क्या सोचा था, ना तो मैक्सिमम पावर टू है क्या, तो हमने पहले रिजेक्ट कर दिया था वेरिएबल डिनोमिनेटर में, तो भी हमने रिजेक्ट किया था। अरे हाँ या ना? तो मैं क्या बोल रहा हूं कि किसी भी क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है
उसको डायरेक्ट बोलने की बजाय पहले आप सॉल्व करोगे और सॉल्व करके चेक करोगे कि जो क्वेश्चन है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं है। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, इसके लिए बोलेंगे इट इज क्वाड्रेटिक, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या हो गया ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझे मेरी बात, हाँ ना? तो चलो आप इसे जल्दी से नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग निकाल लो। ओके, तब देखो अब हमें देखना है फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन। ओके, आप स्क्रीन पे फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, देखो एक बार चेक करो क्या दिया है। हमें दिया हुआ है फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन में m प्लस टू m माइनस फाइव इक्वल्स टू में जीरो, यही दिया हुआ है m प्लस टू m माइनस फाइव इक्वल्स टू में जीरो। ओके, तो m प्लस टू और m माइनस फाइव इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह हो गया, समझे मेरी बात, कि डायरेक्टली देखूंगा तो मैक्सिमम पावर टू नहीं है और बाकी कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन मैं इसको सॉल्व करके ट्राई करूंगा कि ये आता है कि नहीं। ओके, तो पहले मैं क्या लिखूंगा, गिवन इक्वेशन। अब इक्वेशन में हमें दिया हुआ है एम प्लस टू एम माइनस फाइव इक्वल्स टू में जीरो, यही दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, जैसे हमारे पास है x प्लस वाई और हमारे पास है a प्लस बी, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले आप इसका टर्म लो, देखो ये टर्म दिख रहा है आपको, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करो, तो x a प्लस बी ले लिया मैंने, फिर सेकंड वाला टर्म बोले तो प्लस वाई और फिर a प्लस बी, समझे। पहले मैंने क्या किया, ये फर्स्ट वाला टर्म लिया और ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड वाला टर्म लिया और फिर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, फिर आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, समझे मेरी बात। जैसा मल्टीप्लाई मैंने यहां पर किया, सेम टू सेम अपने को यहां पर भी करना है। तो मैंने क्या बोला, पहले फर्स्ट टर्म लेंगे हम लोग, फर्स्ट टर्म में एम है तो मैंने m ले लिया और पूरा सेकंड ब्रैकेट इधर लिखेंगे, सो m माइनस फाइव, समझ में आ गया। फिर प्लस टू लेंगे उसका बचा वाला पार्ट, तो फिर ले लिया मैंने प्लस टू और फिर m माइनस फाइव इक्वल्स टू में जीरो। अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को एक बार फिर से रिवर्स करके देख लो, हमारे पास तो चांस है रिवर्स करके देखने का। अब अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एम स्क्वेयर, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा फाइव एम, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2m, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 2 5 - 10, यहीं पे गड़बड़ी होती है, यहीं पे जब प्लस माइनस रहता तब गड़बड़ी होती है, प्लस टू इंटू माइनस फाइव माइनस 10, ऐसा। तो गड़बड़ी नहीं करने का, थोड़ा रिलैक्स होके आराम से करने का, 100% सॉल्व होगा। अब आ जाएगा m स्क्वेयर, 5m में से 2m गया तो क्या आएगा माइनस 3m माइनस 10 इक्वल्स टू में जीरो आ गया। अब चेक करो कंडीशन, अब अगर चेक करोगे तो पूरी कंडीशन फॉलो करेगा ये, इसका मतलब क्या हो गया, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, समझे मेरी बात। अब देखो नेक्स्ट नंबर 6 और लास्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। आप पहले आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट निकालो, ये जो ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन है उसे भी अच्छे से ध्यान दे दो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला वाला क्वेश्चन देखोगे तो क्या दिया हुआ है, हमें बोला गया है एम क्यूब प्लस थ्री एम स्क्वेयर माइनस टू इक्वल्स टू 3m³। सो क्या दिया हमें, सिक्स नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है एम क्यूब प्लस थ्री एम स्क्वेयर माइनस टू इक्वल्स टू 3m का क्यूब, यही बोला गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। अब हमें इक्वेशन क्या दिया हुआ है, हमें इक्वेशन क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है एम क्यूब प्लस थ्री एम स्क्वेयर माइनस टू इक्वल टू 3m². अब हम क्या करेंगे इसके लिए, पहले क्वेश्चन लिखेंगे एम क्यूब प्लस थ्री एम स्क्वेयर
माइनस टू इक्वल्स टू थ्री एम का क्यूब आ गया। अब आपको क्या करना चाहिए, अब यहां पर कोई डिनोमिनेटर वाला तो टर्म है नहीं, तो मैं क्या करूंगा पहले पावर के हिसाब से अरेंज करूंगा सबको। ओके, तो इसको इधर खींच के लाए तो क्या हो जाएगा, माइनस थ्री एम का क्यूब प्लस एम का क्यूब प्लस थ्री एम स्क्वायर माइनस टू इक्वल्स टू में जीरो। अब ये थ्री एम क्यूब में से एम क्यूब गया तो क्या होगा, माइनस टू एम क्यूब प्लस टू थ्री एम स्क्वायर माइनस टू इक्वल्स टू में जीरो। ओके, अब देखो इसका मैक्सिमम पावर थ्री है, भले ही इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पे मैक्सिमम पावर थ्री दिया हुआ है और मैक्सिमम पावर थ्री है, इसका मतलब क्या हो गया कि हमें मैक्सिमम पावर कितना चाहिए, टू चाहिए। यहां पे मैक्सिमम पावर थ्री दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, समझे मेरी बात। अब यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर टू क्या हो गया, फिनिश हो गया। अगर आपको क्वेश्चन नंबर टू नहीं समझ में आया होगा तो आप क्या करोगे, आप क्वेश्चन नंबर टू को एक बार फिर से रिवर्स करके देख सकते हो, अभी तो आपके पास चांस ही चांस है वीडियो को रिवर्स करके देखने का, ठीक है। तो चलो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीन, और क्वेश्चन नंबर तीन में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर तीन में हमें दिया हुआ है राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ओके, अगर आप देखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट टू जो सेकंड पार्ट था हमारा सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम लोगों ने एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो ऐसे कैसे क्वेश्चन बनाते हैं हमने डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट टू में। ओके, तो देखो अभी अगर हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट टू के बारे में, तो हमने देखा था कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी प्लस जीरो कैसे बनाते हैं। तो हमें बोला है कि आपके पास जो भी क्वेश्चन है, ये देखो सिक्स क्वेश्चन दिए हुए हैं एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर थ्री में, तो हमें तीनों क्वेश्चन को क्या करना है, हमें बनाना है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स जीरो के फॉर्म में कन्वर्ट करके देना है, समझे मेरी बात। फिर आगे क्या बोला है, देन राइट द वैल्यू ऑफ ए बी सी, पहले आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो बनाओ और उसके बाद ए बी सी की वैल्यू बनाओ, किसकी वैल्यू बनाओ, ए बी सी की, समझे। आप अगर अच्छे से देखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट टू, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट टू में हम लोगों ने ये सब चीजें सॉल्व करना सीखे थे। चलो कोई बात नहीं, जिसने नहीं देखा होगा हम फिर से एक बार देख लेंगे। ओके, तो हमें क्वेश्चन क्या दिया है, हमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2y = 10 - y², यही गिवन है मुझे। अब मैं क्या करूंगा, पहले मुझे जो भी क्वेश्चन दिया था मैंने जैसे के वैसे लिख लिया, अब मैं क्या लिखूंगा, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें इक्वेशन क्या दिया हुआ है, हमें इक्वेशन दिया हुआ है 2y = 10 - y². आपको याद होगा मैंने ये बताया था सॉल्व करते समय कि पहला काम क्या करना कि इक्वल टू के उस साइड वाले सभी को निकालकर इस साइड ला लेना, यही बोला था। तो अभी भी मैं वही करने जा रहा हूं, यहां पे दो टर्म दिए हुए हैं, एक 10 और दूसरा वाई स्क्वायर, तो पहले अगर मैं वाई स्क्वायर को इधर खींच के लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, अगर वाई स्क्वायर अगर इधर आया तो हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस में, यानी माइनस वाला हो गया प्लस, समझे, 10 के सामने प्लस की साइन है तो वो हो जाएगा माइनस। और पहले से क्या चल रहा था, पहले से चल रहा था 2y = में कुछ भी नहीं बचा उधर तो जीरो ले लिया मैंने, समझे। अब मैं क्या करूंगा, इस चीज को जनरल फॉर्म के जैसे बनाऊंगा, यानी पहले पावर 2 वाला, फिर पावर 1 वाला, फिर पावर 0 वाला। तो कैसे बनाऊंगा, पहले लिखूंगा मैं वाई स्क्वायर, फिर लिखूंगा प्लस 2y, फिर लिखूंगा -10 इक्वल्स टू में जीरो, और इसे दे दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1, समझे मेरी बात। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लिखूंगा
जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारा, होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर टू। और फिर लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग वन एंड टू। ओके, हमारा पहला काम था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखने के लिए, तो मैंने लिख दिया ये। दूसरा काम है मेरा ए बी सी की वैल्यू निकालना, तो मैं क्या करूंगा इसमें से, मैं क्या करूंगा ये और ये। तो पहला देखो वाई स्क्वायर दिया हुआ है यहां पे एक्स स्क्वायर, आप इसको वाई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये वाई के फॉर्म में आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, आ गया। अब यहां पे वाई स्क्वायर है, यहां पे भी वाई स्क्वायर, यहां पे ए है तो यहां पे कुछ भी नहीं, तो क्या पकड़ेंगे वन। सो ए कितना हो जाएगा आपका, वन हो जाएगा। अब देखो वाई के सामने टू है और यहां पे वाई के सामने क्या है बी, सो बी इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा टू। यहां पे सी दिया हुआ और यहां पे माइनस टेन, तो सी इक्वल्स टू में क्या होगा माइनस टेन। सो ऐसा करके हम लोग ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, समझे मेरी बात। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार फिर से इसको वीडियो को रिपीट करके देखो। अब सेकंड क्वेश्चन देखो हमें क्या दिया है, सेकंड क्वेश्चन में बोला है x माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री। अब अगर इस क्वेश्चन को देखोगे तो वहां पे x माइनस वन का होल स्क्वायर दिया है और वहां पे हमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी होल स्क्वायर का। शायद आपको याद होगा a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा उम्मीद करके चलता हूं कि आपको फॉर्मूला याद होगा। सो मैंने क्या किया, पहले क्वेश्चन लिख लिया अच्छे से, x माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू टू एक्स प्लस थ्री, आ गया। अब क्या होगा, अब यहां पे पहले हम क्या लिखेंगे भाई, हमेशा की तरह पहले गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें यहां पे पहले से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है। देखो ना, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस, यानी यहां पे हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें सिर्फ उसके फॉर्म में लिखना है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है ऑलरेडी, समझे। आपको बताने की जरूरत नहीं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो हमें दिया हुआ है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू टू एक्स प्लस थ्री, यही दिया हुआ है। यहां पे एक्स माइनस वन का स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स माइनस वन का स्क्वायर, सो हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पे ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या कहता है ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, कि पहले ए का स्क्वायर करो फिर टू ए बी करो फिर बी स्क्वायर करो, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से आता होगा। ओके, तो देखो ये वाला पकड़ लेना ए और इसको पकड़ लेना बी, तो पहले बोला एक्स स्क्वायर, पहले ए स्क्वायर तो मैं क्या करूंगा एक्स स्क्वायर, फिर बोला माइनस का साइन लिखो माइनस साइन लिखो, फिर बोलता है टू लिखो टू लिख दिया, फिर बोलता है ए लिखो तो ए की जगह पे क्या है एक्स, फिर बोलता है बी लिखो बी की जगह पे वन, फिर बोलता है प्लस लिखो लिख दिया प्लस, फिर बोल रहा है बी का स्क्वायर करो यानी किसका वन का स्क्वायर इक्वल्स टू टू एक्स प्लस थ्री, समझे। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू में क्या होगा टू एक्स प्लस थ्री, सॉल्व कर लिया। अब हम यहां से इसमें कन्वर्ट करना चालू करेंगे और उसने हमें क्या बोला था कि जितना भी उस साइड में टर्म है पहले उसको खींच के इस साइड में लाना। ओके, सो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, इसको इधर खींच के लाएंगे तो माइनस टू एक्स और उसको खींच के लाएंगे तो माइनस थ्री इक्वल टू में जीरो, समझे। अब क्या होगा, अब देखो हमें आ गया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स, क्या हो गया माइनस फोर एक्स, और क्या हो गया उसके बाद प्लस वन माइनस थ्री माइनस टू इक्वल्स टू में जीरो, समझे। हाँ या ना, अब एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस टू इक्वल्स टू जीरो ले लिया, तो ये इक्वेशन नंबर हमारा वन हो गया, क्योंकि हमने क्या किया इस चीज को, हमने इस चीज को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो में कन्वर्ट कर दिया है। ओके,
अब हमारा अगला काम है अभी, तो हम क्या लिखेंगे, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्या है हमारा जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू में जीरो, इक्वेशन नंबर टू। समझे, ध्यान रहेगा। अब हमारा अगला एम क्या है, अब हमारा अगला एम ये है कि हम क्या करेंगे, लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग कंपेयरिंग वन एंड टू, वन एंड टू इसको कंपेयर करो। तो यहां पे एक्स स्क्वायर है, यहां पे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के सामने ए है, यहां पे एक्स स्क्वायर के सामने कुछ भी नहीं, तो वन पकड़ेंगे। तो क्या हुआ, ए इक्वल्स टू में वन। फिर यहां पे क्या है बी, तो यहां पे क्या है, यहां पे बी, वहां पे है माइनस फोर, सो ये हो गया माइनस फोर। यहां पे है सी, तो यहां पे माइनस टू, तो सी इक्वल्स टू माइनस टू। समझे, बन गया पक्का। तो चलो आप सेकंड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो, आप कहीं तो भी नोट कर लो। अब देखो थर्ड क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, अगर थर्ड क्वेश्चन अच्छे से देखोगे तो हमें एक सिंपल सा इक्वेशन दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन में, यानी थर्ड क्वेश्चन में बहुत ज्यादा झंझट अपने को दिया हुआ नहीं है, हम आसानी से थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन में, देखो हम लोग क्या करने वाले हैं। पहले हमें क्या दिया है, हमें दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स इक्वल्स टू माइनस बाद में थ्री माइनस एक्स। ओके, अब पहला हमारा काम क्या है, पहले हम लिखते हैं गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो पहले जैसे क्वेश्चन दिया है आप वैसे लिख लो, यानी हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री माइनस एक्स, ले लिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं ये वाला टर्म सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, तो कैसे सॉल्व होगा, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स इक्वल्स टू में, अगर मैंने माइनस साइन दिया तो माइनस थ्री, और इसको माइनस दिया तो प्लस एक्स, प्लस एक्स आ गया। अब मैंने क्या बोला था कि अगर अपने को ऐसा कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एक साइड में जीरो बना देना चाहिए, तो उसको इधर खींच के लाऊंगा, सो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, ये माइनस है तो इधर आया तो प्लस थ्री, और एक्स प्लस में है तो माइनस एक्स इक्वल्स टू में जीरो। अब हो गया एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर हो गया, फाइव एक्स में से एक्स गया तो फोर एक्स, और ये प्लस थ्री इक्वल्स टू में जीरो। ये आपका बन गया कुछ इस तरह का, किस तरह का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, वही पहले की तरह आपको पूरे स्टेप लिखना है कि जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसके बाद ऑन कंपेयरिंग वन एंड टू। तो आप देखोगे तो इसके सामने क्या है, कुछ भी नहीं, तो क्या पकड़ेंगे हम, पकड़ेंगे वन, इसके सामने क्या है फोर, सो बी कितना हो गया आपका फोर, और फिर इसके यहां पे क्या है थ्री, सो सी क्या हो गया आपका प्लस थ्री, सी क्या हो गया आपका प्लस थ्री। समझे, हाँ या ना पक्का। तो चलो हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन को। तो फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, फोर्थ क्वेश्चन में अगर अच्छे से आप देखोगे तो काफी सिंपल है, हमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। पहले क्या दिया हमें, हमें दिया हुआ है थ्री एम स्क्वेयर इक्वल्स टू टू एम स्क्वेयर माइनस नाइन। तो हम क्या करेंगे, पहले सोचो, पहले इधर वाले टर्म को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, थ्री एम स्क्वेयर माइनस टू एम स्क्वेयर, और इधर आया था प्लस नाइन इक्वल्स टू में जीरो। ओके, तो क्या किया मैंने, थ्री एम स्क्वेयर में से एम स्क्वेयर अगर निकाला तो क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा आपका एम स्क्वेयर प्लस नाइन इक्वल्स टू जीरो। अब बताओ इसमें कितने टर्म है, दो टर्म है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने टर्म है, तीन टर्म है। तो मैंने आपको क्या बोला था, जब भी ऐसे दो टर्म दिखे तो आप क्या करोगे, जीरो लेके तीसरा टर्म कंप्लीट कर दोगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एम स्क्वेयर प्लस जीरो एम प्लस नाइन इक्वल टू जीरो। समझे, ये आपका बन गया जनरल फॉर्म, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर वन। इसके बाद तो आपको पता है क्या लिखना है, कि पहले इक्वेशन का वही जनरल इक्वेशन, बाद में एक्स स्क्वायर, फिर बाद में एबीसी की वैल्यू निकालना है। तो मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं, अब इसके सामने कुछ भी है तो क्या पकड़ेंगे, ए इक्वल्स टू वन पकड़ेंगे,
इसके सामने कुछ भी नहीं तो क्या पकड़ेंगे, बी इक्वल्स टू जीरो पकड़ेंगे, यहां पे क्या पकड़ेंगे, सी इक्वल्स टू नाइन पकड़ेंगे। समझे मेरी बात? अरे हाँ है ना। तो ऐसे करके हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी फिनिश हो गया। चलो नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन। अब हमें फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अगर आप फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन को देखोगे तो हमें दिया हुआ है पी थ्री प्लस सिक्स पी इक्वल्स टू में माइनस फाइव। ओके, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, पहले इसको इंटू करेंगे तो क्या आएगा 3p, इसको इंटू किया तो क्या हो जाएगा 6p स्क्वायर, और इधर में क्या है माइनस फाइव। अब इस साइड हम जीरो बनाएंगे तो उसको इस साइड खींच के ला लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6p स्क्वायर प्लस 3p, और ये इधर तो क्या आएगा प्लस 5 इक्वल्स टू में जीरो। समझे क्या हो गया, 6p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 5 इक्वल्स टू जीरो। ये हो गया आपका कौन से फॉर्म का इक्वेशन होगा, ये हो गया इस फॉर्म वाला इक्वेशन। समझे? अब हमारा अगला काम क्या है, ए बी सी की वैल्यू निकालना। तो हम कैसे निकालेंगे, हम आपको पता है कि यहां पे क्या लिखना, अभी बार बार नहीं करेंगे, समय बचेगा हमारा, आपको करना है लेकिन आप समय नहीं बचाओगे, आप कॉपी में पूरा लिखोगे। सो ए की वैल्यू हो जाएंगे 6, बी की हो जाएंगी 3 और सी की हो जाएंगी 5। समझे? तो ऐसे करके ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखोगे सिक्स नंबर का, तो एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूं, मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है क्वेश्चन में, नहीं क्वेश्चन करेक्ट लिखा हूं मैंने। तो सिक्स नंबर का क्वेश्चन हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 13। अब हम क्या करेंगे, हम लोग इसको इधर खींच लेंगे, सो एक्स स्क्वायर माइनस 9 इसको इधर लाए तो माइनस 13 इक्वल्स टू में जीरो। सो एक्स स्क्वायर 9 और 13 22 इक्वल्स टू जीरो आया। अब क्या होगा, ये तो दो ही टर्म है, हमें कितने टर्म चाहिए, तीन टर्म, तो बीच वाले टर्म को हम क्या बना देंगे, जीरो। सो एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 22 इक्वल्स टू में जीरो। अब ये हो गया मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। अभी भी हमारा काम बचा हुआ है एबीसी निकालने के, तो आपको लिखना है इसके बाद का स्टेप। सो इसके सामने कुछ भी नहीं तो ए इक्वल्स टू 1, इसके सामने क्या हो जाएगा बी इक्वल्स टू 0 और सी इक्वल्स टू माइनस 22। ओके, कर पाएंगे? तो चलो आप इसे जल्दी से नोट कर लो, और आज हम यहीं पे रुकेंगे, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अगला कंसेप्ट। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।